अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वासिफ हाशमी, हेड ऑफ स्ट्रेटजिक एंड एफिलिएट प्रोग्राम, एक बार फिर lejo.pk के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। lejo.pk इज अ रैपिडली ग्रोइंग ऑनलाइन मार्केटप्लेस विद 25,000 प्लस वेंडर्स, फेमस ब्रांड्स एंड फेमस कंपनीज, एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस दैट यू कैन सेल आउट मोर देन 50,000 प्लस प्रोडक्ट्स थ्रू आवर एफिलिएट प्रोग्राम। And I'm here with a great announcement that we have reduced our payout limit from 5,000 to 500 rupees only. Viewers, last video में मैंने आपको बताया था कि आपने affiliate program के लिए कैसे register करना है और कैसे after approval आपने अपने portal पे access करनी है। अब मैं आपको कुछ और concepts clear करूँगा जिसमें आपको ये बताऊँगा कि आपने product link कैसे उठाना है, आपने typical categories का link कैसे उठाना है, आपने शॉप का लिंक कैसे उठाना है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत कमीशन के बारे में, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी एफिलिएट आईडी को कैसे यूज करना है, एक लिंक के साथ इसको लिंक अप कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। जी व्यूअर्स, तो अब मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन शेयर करके कि आपने अपनी एफिलिएट आईडी को कैसे किसी भी लिंक के साथ एड अप करके पोस्टिंग करनी है। सिंपल, आपने lejo.pk की वेबसाइट पर रहना है, उसके बाद आपने अकाउंट के ऑप्शन में आना है, अपना एफिलिएट अकाउंट साइन इन करना है, जैसे कि मैं अपना करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरी आईडी साइन इन हो गई। मैं दोबारा अकाउंट के ऑप्शन में आऊंगा, यहां आकर मैं एफिलिएट के ऑप्शन में आऊंगा तो मेरे सामने मेरा एफिलिएट पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पर बिल्कुल सामने आपके पास आपकी एफिलिएट आईडी दो तरह लिखी हुई है, एक क्वेश्चन मार्क के साइन के साथ, एक एंड के साइन के साथ। सिंपल, अगर किसी भी लिंक में, किसी भी कैटेगरी लिंक में, किसी भी प्रोडक्ट लिंक में और किसी भी शॉप के लिंक में अगर क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं है तो आपने सिंपल जो आपकी आईडी क्वेश्चन मार्क के साइन के साथ चल रही है, आपने इसको कॉपी करके उस लिंक के साथ एड अप करना है और पोस्ट कर देना है, ठीक है। और ये जो एंड की ऑप्शन है, इसमें ऐसा है कि आपने अगर किसी भी लिंक में क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी आ रहा है तो आपने लास्ट में जो आपकी एंड की साइन के साथ आईडी बनी हुई है, आपने इसको कॉपी करना है और उस लिंक के साथ पोस्ट कर देना है। ये दो तरीके हैं, आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। मैंने एक आईडी जेसी बकमैन की शॉप की उठाई है, एक लिंक, और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ कैसे हम अपनी एफिलिएट आईडी को ऐड अप करेंगे। ये देखें, इस पूरे लिंक में किसी भी जगह पे क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं आ रहा, तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो क्वेश्चन मार्क के साथ आपकी आईडी है इसको कॉपी किया और इस लिंक के साथ पेस्ट कर देंगे, तो ये आपका पूरा एक शॉप का एफिलिएट लिंक बन जाएगा। और सिंपली अगर आपके पास किसी भी लिंक में क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी आ रहा है, ये देखें, ये मैंने आपके एग्जांपल के लिए ऑलरेडी एक लिंक बनाया हुआ है जिसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो हम जो एंड के साथ, एंड के साइन के साथ जो एफिलिएट आईडी आपकी बनी है, आपने इसको कॉपी करके उस लिंक के साथ पेस्ट कर देना। दो चीज़ें हैं बस आपने जहन में रखनी है कि अगर किसी लिंक में क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं आ रहा तो आपने अपनी आईडी जो क्वेश्चन मार्क के साथ है वो लगानी है, और अगर किसी लिंक में ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क का साइन आ रहा है तो आपने जो आईडी आपके एंड के साइन के साथ है वो एडअप करके पोस्टिंग करनी है। दूसरा, आपने किसी भी कैटेगरी का अगर लिंक उठाना है तो ये देखें, इसी पेज पर रहते हुए आपके नीचे आपके पास कैटेगरी लिंक्स आ रहे हैं, ये देखें। अब आपने कोशिश करनी है, ये सारे कैटेगरी लिंक्स हैं, आपने कोशिश करनी है कि अगर आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेल्स कमीशन, हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर आ रहा है। सिंपल, आप देखें कौन सी कैटेगरी का ज़्यादा परसेंटेज है। लेट्स सपोज ये 7% आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपका देखें ये पूरा कैटेगरी का लिंक ओपन हो गया। अब आप देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट लिंक हो या कैटेगरी लिंक, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी आईडी यहां पर ऐड हो जाती है उस लिंक के साथ, तो आपको आईडी दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ जो शॉप का लिंक है उसके साथ आपने अपनी आईडी लगानी है, और किस तरह लगानी है वो मैंने आपको तरीका बता दिया क्वेश्चन मार्क और एंड के हिसाब से। अब ये देखें, ये ओपन हो गया,
ये आपको मैंने कैटेगरी ओपन करके दिखाई और बाय डिफॉल्ट हमारी आईडी भी इसके साथ लगी होगी, ठीक है। तो ये पूरा लिंक आपने कॉपी करके किसी भी जगह पोस्ट कर देना है, तो ये आपका कैटेगरी का एफिलिएट लिंक बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी प्रोडक्ट का लिंक लेना है अपनी मर्जी से, तो सिंपल आपने किसी भी प्रोडक्ट पर जाएंगे, वेबसाइट पर किसी भी जगह पर जाएं, तो जैसे आपने कैटेगरी का लिंक ओपन करके देखा आपकी एफिलिएट आईडी साथ लगी हुई थी, इसी तरह आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी जगह से वेबसाइट से उठाएंगे। लेट्स सपोज मैं ऐसे उठा रहा हूँ, ये मैंने उठाया प्रोडक्ट, तो आपके सामने ये ऊपर लिंक आ रहा है उस प्रोडक्ट का। और देखें, मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रोडक्ट का लिंक आप लेंगे तो आपका आईडी ऑलरेडी उसके साथ लगा होगा, कैटेगरीज और प्रोडक्ट के लिंक के साथ। तो ये देखें ऊपर आपका आ रहा होता है और ये आपका पूरा प्रोडक्ट का लिंक हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक कैटेगरी का लिंक बताया कैसे उठाना है और प्रोडक्ट का लिंक बताया कैसे उठाना है। नंबर थ्री, आपने शॉप का लिंक कैसे उठाना है। आप शॉप का लिंक ऐसे भी उठा सकते हैं, अगर लेट्स सपोज मैंने जैसे ये प्रोडक्ट ओपन किया है तो इसमें ये यहाँ पर सोल्ड बाय, ये हमारी शॉप का लिंक आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ सर भी उठा सकते हैं, मैंने इसको क्लिक किया मुझे ये इस शॉप पर ले जाएगा जिस शॉप का ये प्रोडक्ट है। तो अगर आप पूरी शॉप का लिंक लगाना चाहते हैं तो सिंपली आपने यहाँ से जहाँ पर सोल्ड बाय लिखा होता है यहाँ पर लिंक को इस पे क्लिक करेंगे सोल्ड बाय पे, तो आपके पास वो शॉप का लिंक ओपन हो जाएगा। ये देखें टॉप पर ये शॉप का लिंक आ गया। तो ये एक तरीका है शॉप का लिंक उठाने का, ठीक है। और दूसरा मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। सिंपल आपने इस शॉप लिंक को देखना है कि इस शॉप लिंक में किसी जगह पे क्वेश्चन मार्क तो नहीं आ रहा। अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो आपने एंड वाली आईटी लगानी है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा तो आपने क्वेश्चन मार्क वाली आईडी लगानी है। सिंपल ये देखें इस लिंक में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से अपने पोर्टल में जाके जो क्वेश्चन मार्क के साथ आईडी लिखी है उसको कॉपी करेंगे और इसके साथ आगे एडअप कर देंगे। तो ये आपका पूरा शॉप लिंक बन जाएगा एफिलिएट लिंक, ठीक है। अब आपको मैं अलग से इसको लिख के दिखाता हूँ। देखें ये मैंने एफिलिएट एडअप करने के बाद आपका आईडी, तो इस लिंक को एंटर कर रहा हूँ, ये देखें वही लिंक ओपन हुआ उस शॉप का, लेकिन आपकी एफिलिएट आईडी के साथ ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपके प्रोडक्ट लिंक, आपका कैटेगरी लिंक, ठीक है, इसके साथ बाय डिफॉल्ट आपकी एफिलिएट आईडी आ रही होती है, लेकिन जब शॉप का लिंक होता है तो उसके साथ आपकी आईडी बाय डिफॉल्ट नहीं आती, इसमें आपको एडअप करनी पड़ती है, ठीक है। तो सिंपल ये तीन चीजें थी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शॉप लिंक आप ले जाओ कि मेन पेज पे बैनर से भी उठा सकते हैं। ये देखें ये बैनर्स आ रहे हैं, देखें जैसे ये रिवाज का आ रहा है, ये अमानी का आ रहा है, ये बेला का आ रहा है। देखें मैं बेला का अगर उठाना चाहता हूँ तो मैं बेला के बैनर पे डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा ना, तो शॉप आ जाएगी मेरे पास और ये इस शॉप का लिंक आ जाएगा ऊपर। तो सिंपल आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, ये दो तरीके हैं शॉप लिंक उठाने के। तो इसमें भी सिंपल आपने क्या करना है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, इसमें क्वेश्चन मार्क के साथ वाली एफिलिएट आईडी अपनी उठानी है, एडअप करनी है और पोस्टिंग कर देनी है, ठीक है जी। ये सिंपल आपके कैटेगरी लिंक, प्रोडक्ट लिंक और शॉप लिंक उठाने के तरीके हैं और अपनी आईडी को एडअप करने का तरीका था। तो व्यूअर्स, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे लिंक ऐसे बनते हैं जिसमें आपके एफिलिएट आईडी लगाने के बाद वो लिंक बड़ा बन जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम वो एक लिंक रीजनेबल लिंक दिखने में एक अच्छा लिंक लगे, तो उसको हम क्या करेंगे, हम उसको शॉर्ट लिंक बना लेंगे। वो शॉर्ट लिंक कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद आप पोस्टिंग करेंगे, मैं आपको पोस्टिंग करके भी दिखाऊंगा और स्क्रीन शेयर करके आपको आपका लिंक शॉर्ट करके भी दिखाऊंगा। तो आए आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। जी व्यूअर्स, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपने किसी भी लिंक को शॉर्टर लिंक कैसे बनाना है। शॉर्टर लिंक इसलिए बनाते हैं कि कुछ लिंक ऐसे होते हैं जब आप अपनी एफिलिएट आईडी बनाते हैं तो उसके बाद वो काफ़ी लंबा लिंक बन जाता है, ठीक है। तो हम उसको शॉर्ट करके लिखेंगे, लेकिन जब कोई भी उस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो वापस वही लिंक ओपन होके सामने शो हो रहा होगा।
ठीक है, लेकिन जब पोस्टिंग करेंगे तो उससे पहले हम शॉर्टर लिंक लगाएंगे ताकि वो लिंक रीजनेबल लगे और उसमें एफिलिएट आईडी शो ना हो। ठीक है, तो सिंपल देखिए, मैं अगर इसी लिंक को मैं कॉपी करता हूँ और मैं इस लिंक को, ये प्रोसेस उस वक्त होगा जब आप अपनी एफिलिएट आईडी को भी ऐड अप कर लेंगे और उस पूरे लिंक को कॉपी करेंगे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, ये शॉप का पूरा लिंक। और हम लोग शॉर्टर लिंक बनाने के लिए या तो bitly.com यूज करते हैं या गूगल शॉर्टर। ठीक है, तो आपने सिंपल, मैं bitly पे आपको बताता हूँ, bitly.com आप ओपन करेंगे तो आपने उस पूरे लिंक को यहाँ पर नीचे आकर पेस्ट करना है और ये शॉर्टर का बटन दबाएंगे तो आपके पास ये आपका लिंक, ये देखें, ये शॉर्ट लिंक बन जाएगा। तो कॉपी करें आप और इसको अलग से ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस लिंक को मैं एंटर करूंगा तो वापस देखें, ये सेम वही लिंक दोबारा मुझे शो कर दिया उसने ओपन होने के बाद। लेकिन जब हम किसी जगह पोस्ट करेंगे तो शॉर्टर लिंक लगाएंगे, ठीक है, ये एक रीजनेबल लिंक बन जाता है शॉर्टर लिंक के बाद, आजकल जो एक स्टैंडर्ड चल रहा है मार्केट में। तो मैं आपको इसको पोस्ट करके दिखाता हूँ, देखें, ये मैं अपने ट्विटर अकाउंट में एक पोस्टिंग करता हूँ आपके सामने, ये देखें, ये मैं यहां से एक एलईडी का बैनर उठाता हूँ, इसको मैंने ऐड अप किया, ऊपर में मैंने कुछ कॉपी किया हुआ है, ये देखें, ये मेरे पास कंटेंट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने बैनर लगाया, उस पर कंटेंट लिखा, मैं इसको, इस लिंक को यहां से करके आपके सामने, मैं वही शॉर्टर लिंक जो मैंने शॉर्ट किया था, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये मैं वही शॉर्टर लिंक यहां से कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दूंगा। ये रेड इस वजह से है कि इसमें कुछ वर्ड्स ज्यादा आ रहे हैं, इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहां से। ठीक है, अब मैं इसको आपके सामने इसको ट्वीट कर दिया, ये देखें, ये मेरा लिंक पोस्ट हो गया। लेकिन जब मैं इस शॉर्टर लिंक को ओपन करूंगा तो मेरे पास देखें उसी शॉप का प्रॉपर वही लिंक सामने शो हो रहा है। ठीक है, शॉर्टर लिंक का ये फायदा है कि वहां पर आपकी एफिलिएट आईडी शो नहीं होती। ठीक है, तो सिंपल आपने अपने लिंक को बनाने के बाद आपने उस लिंक को शॉर्टर करके पोस्टिंग करनी है, जैसे कि मैंने आपको अपने ट्विटर अकाउंट में ये पोस्टिंग करके दिखाई है। ठीक है, देखिए कितना रीजनेबल लिंक लग रहा है, मैंने उसको ओपन करके भी आपको दिखा दिया कि आपने शॉर्टर लिंक कैसे लगाना है और ओपन करके आपकी वही आईडी जो आप बनाते हैं एफिलिएट आईडी लिंक अप करने के बाद, तो वही आपके पास दोबारा शो हो रही होती है। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, उसका कंटेंट लिखना होता है, अपना लिंक लगा देना शॉर्टर करके और नीचे हैशटैग लगानी और पोस्टिंग कर देनी है, सिंपल। ठीक है जी, ये पूरा प्रोसेस था, उम्मीद है आपको आज काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आपकी काफ़ी क्यूरीज क्लियर हो गई हैं, तो होपफुली के नेक्स्ट वीडियो में आपको और बहुत कुछ बताएंगे। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, आखिर में आपको एक चीज और बताता चलूं, आपकी मोस्टली इस वीडियो में क्यूरीज सॉल्व हो चुकी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये गाइड करना चाहूंगा कि आप किन किन प्लेटफॉर्म्स पे पोस्टिंग करके फायदा उठा सकते हैं। उनमें सबसे पहले एक लिंक्डइन है, लिंक्डइन के ग्रुप्स हैं, फिर उसके अलावा फेसबुक है, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए, उसके अलावा व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर कीजिए, फिर उसके अलावा ट्विटर है, टिकटॉक है और इसके अलावा स्नैप वीडियो है, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे मोस्टली आप शेयर कर सकते हैं, पिंटरेस्ट है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको आपके ऑर्डर्स क्रिएट करने में फायदा देंगे। उम्मीद है आपने मेरी इस वीडियो से फायदा उठाएंगे और इसके अलावा नेक्स्ट जो भी क्यूरीज होंगी वो आप आने वाली वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।